मेरा एस एल में एंट्री कॉल हो गया, हो गया आगे चलना। लेकिन एंट्री कॉल 15 गुना बुलाते हैं एंट्री कॉल में, उसमें आर पी सी में, और उसी समय मेरी आर एस प्री की एग्जाम भी थी, उसी टाइम पे, उसी टाइम दोनों साथ साथ चल रही थी। अब देखो आर एस प्री में मुझसे क्या गलती हुई थी यार, मेरे पिताजी का ध्यान तो गया था इसलिए मुझे बाबू बनना पड़ा। तो बाबू फिर चाहिए कब बने, मुझसे 99 बाबू बन गया था मैं, और फिर क्या तुम तो जुझाल लड़के हो साहब, मैंने 30-30 मुकाम पर पहुँचा हूँ आज, तो मेरा आर एस तक का ही सफर ये रहा। तो मैं और लोग कहते गाइड, गाइड लास्ट ऑप्शन है, पर जो टॉपिक है उनको बुक से क्लियर करो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आर पी सी यू पी सी नहीं चाहते कि आपको एक्सपर्ट, नहीं चाहते कि आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, आप चाहते उस टॉपिक का आपको एज ए नॉलेज होना चाहिए। आज हमारे साथ है बहुत ही शानदार अमेजिंग एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी डिप्टी कमिश्नर ऑफ जयपुर। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a... Mr. Vishwanath Kaushik ji sir, welcome sir आपका हमारे YouTube channel पर। Thank you, thank you. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me with a... तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस न्यू फ्रेश एंड अमेजिंग इंटरव्यू पॉडकास्ट में। आज हम सर की जर्नी के बारे में जानेंगे और सर से ढेर सारी बातें करेंगे। आज का इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सर देंगे अपना थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सर प्लीज़। मेरा नाम विश्वनाथ कौशिक है, मैं वर्तमान में जीएसटी में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूँ, और जहाँ डुंगरी ऑफिस में पदस्थापित हूँ। मेरी स्कूली बैकग्राउंड में ना तो कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल से ज़्यादा फटा, मेरा स्कूली बैकग्राउंड गांव से रहा है। मेरा मूल गांव चुम के पास है कालाडेरा, और कालाडेरा के पास में गांव है छोटा सा सांदरसर, जहाँ हमारा एक ही परिवार ब्राह्मणों का, वहाँ मेरा निवास स्थान है। और मेरी 10th तक स्कूल एजुकेशन हुई गोविंदगढ़, सीनियर स्कूल थी गोविंदगढ़, मेरे पिताजी वहाँ लेक्चर हुआ करते थे। 10th मैंने मैट्रिक वहाँ से पास की, और 12th मैंने सहरिया स्कूल है कलाडेरा, जो फेमस स्कूल थी अपने टाइम की, वहाँ से मैंने 12th साइंस बायो से पास की। ओके सर, तो सर आपने उस टाइम पे ये सपना देखा था क्या कि आप डिप्टी कमिश्नर होंगे जयपुर के? उसमें सपना नहीं देखा था मैंने, उस समय सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन डॉक्टर बन नहीं पाया, क्योंकि उसी साल मेरे, जिस साल मैंने 12th पास की थी उसी साल मेरे पिताजी का आकस्मिक देहांत हो गया था हार्ट अटैक से। तो उस समय मैं कोटा गया हुआ था, मुझे कोटा छोड़ के आना पड़ा, और एज एलडीसी मुझे नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। क्यों ज्वाइन करनी पड़ी? क्योंकि मेरी मम्मी उस 5वीं पास थी, तो मेरी मम्मी को प्यून बना रहे थे, और मेरा जो छोटा भाई था उसमें वो 8th क्लास में पढ़ता था। तो सरकार की पॉलिसी थी कि जो भी हो उसको नौकरी दी जाए। पहले मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं नौकरी ज्वाइन करूँ, मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में मुझे इस एलडीसी के पद पर 12 अक्टूबर 1999 को मुझे एज एलडीसी सीकर जिले में पलसाना में पदस्थापन मिला। यानी कि सर आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे? हाँ, मेरे फादर स्कूल लेक्चर थे, और 97 में उनका आकस्मिक देहांत हो गया था। ओके सर, तो सर आपने फिर आगे की स्टडी कैसे की, क्योंकि प्रॉब्लम्स आई होगी ना फैमिली में, आप जॉब लग गई फिर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपके ऊपर आ गई। मैं, मेरे परिवार में मुझसे बड़ी 2 बहनें थी और बीच का मैं था, और 2 मुझसे छोटे भाई बहन थे। तो पिताजी का अचानक चले जाना मेरे ऊपर जैसे पहाड़ सा टूट गया हो, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में पढ़ाई के अलावा कभी पेन पेंसिल भी नहीं खरीदी, जो भी लेके आते थे मेरे पिताजी लेके आते थे। तो अचानक किसी आदमी पे जैसे वज्रघात हो वैसा हुआ, और मैं एक तरह से हिलसा गया था, लेकिन जैसे शिवाजी के लिए उनकी माता जीजाबाई थी, वैसे मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा और हिम्मत दी। उस समय मेरे फादर की एज 42 ईयर्स थी, और मैं 16-17 साल का था। मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ, 10th में टॉप रहा मैं स्कूल में, और 12th क्लास में टॉप रहा मैं, 79% से मैंने 12th की थी। अब डॉक्टर नहीं बन पाया, तो पता नहीं ईश्वर या कुदरत क्या चाहती थी कि मैं कहाँ पहुँचूँ। तो डॉक्टर नहीं बनने की बजाय मेरी ज़िंदगी की दिशा ही चेंज हो गई। फिर मैंने SK कॉलेज है सिक्कर में, फेमस कॉलेज है, वहाँ से BSc की मैंने प्राइवेट शेम पार्टी भी मैंने टॉप किया SK कॉलेज को, जॉब के साथ ही, जॉब के साथ, क्योंकि मेरी स्कूलिंग थी 10:30 से 4:30 चला करती थी, और मेरे HM साहब बहुत अच्छे हुआ करते थे, और SK कॉलेज में BSc की क्लासेस सुबह मॉर्निंग में लगती थी, तो मैं 7 से 10 क्लास लेके आ जाता था। और फिर मेरा HM बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने मेरे को लाइब्रेरी का साथ दिया था कि आप लाइब्रेरी संभालो,
और जिससे कोई टीचर नहीं आता था नाइन्थ टेंथ में इलेवंथ में, तो मैं छोटी सी उम्र का था, 18.5 साल का चला गया था जॉब में, तो उन क्लासों को मैं पढ़ाया करता था। तो मैंने कहा रूटीन रहा टेस्ट, पढ़ाई के टेस्ट पे रहा। हाँ। और मैं इंटेलिजेंट तो था, इसलिए मुझे कुछ जिंदगी में करना था कि मेरे को ये एलडीसी या बाबू बन के नहीं रहना है, अपना मुकाम एक लक्ष्य है जो सपना देखा था, उस सपना को मेरे को पूरा करना था। तो बीएससी मैंने प्राइवेट कर ली, उसके बाद मेरी इच्छा थी और साइंस वाले की इच्छा होती है कि मैं एमएससी करूँ। हाँ। तो एमएससी प्रीवियस से मेरा एडमिशन हो गया था, तीन जगह हुआ, एसके कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी और कोटपुतली कॉलेज है गवर्नमेंट की। हाँ। वहाँ तीनों जगह हो गया, लेकिन मेरी किसी ने फिर कंप्लेन कर दी, क्योंकि जिनका नंबर नहीं आया था मेरिट बेस पे एसके कॉलेज में, उन्होंने शिकायत कर दी कि लड़का जॉब भी करता है एमएससी भी कर रहा है। तो मुझे फिर एमएससी प्रोसेस छोड़नी पड़ी। मतलब जॉब के साथ डिग्री ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत? रेगुलर नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। हाँ, रेगुलर आप एमए कर सकते हो प्राइवेट, लेकिन रेगुलर साइंस की क्लास आप रेगुलर जॉब के साथ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो फिर मैंने एमएससी छोड़ दी। फिर मुझे एक अच्छे टीचर मिले जो खाटू श्याम जी के हैं, नाम लूंगा उनका, प्रमोद जी शर्मा। उन्होंने मुझे कहा कि आप एमएससी क्यों करते हो, आरएस लाइक कैंडिडेट, आरएस की तैयारी करो। सर मुझे तो अभी बीएससी की ये नॉलेज नहीं, कहते मैं आपको गाइड करूंगा, क्योंकि वो खुद भी तैयारी करते थे, खुद भी बीएससी बैकग्राउंड से थे और पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर थे, खाटू श्याम जी के थे वो पलसाना। तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तो उस समय फिर बीएड की एग्जाम आई, जिसको लगते हैं पीटीईटी, प्री टीचर्स एजुकेशन टेस्ट, वो मैंने दिया, उससे मैं फेल हो गया। उसमें वेरी सिंपल एग्जाम ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, क्योंकि पीटीईटी टीचर्स के बनने के लिए आवश्यक थी। तो जब पीटीईटी में फेल हुआ तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, दूसरा झटका, एक तो पिताजी एक्सपायर हो गए तब, एक इंटेलिजेंट था तो मेरा जो हुआ था ना इंटेलिजेंसी का वो फुल हो गया, वो निकल गया कि कुछ नहीं है। तो फिर मैंने मंथन किया कि मैं सिंपल एग्जाम में पास क्यों नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा इसलिए पास नहीं हो पाया कि मैं डायरेक्ट जंप करना चाहता था बीसी सीटें लांग के, सीटें का मतलब जो आपको बेसिक है ना जीके, उसको तैयार किए बिना मैं मंजिल को प्राप्त करना चाहता था। तो मंजिल मुझे कैसे मिलेगी, हो नहीं पाया। फिर मैंने बेसिक स्टार्ट की, मेरी जिस हिस्ट्री है पॉलिटी है वो सब मैंने बीएससी के बाद में स्टार्ट की। कैसे की वो, आपने कोचिंग ली थी? कोचिंग मिली, सेल्फ स्टडी, साइंस का आदमी था, इससे साइंस वालों की क्वालिटी होती है कि उनकी मेहनत खून में आ जाती है, मेहनत करना, सेल्फ स्टडी करना, नोट्स पढ़ना। तो सेल्फ स्टडी की मैंने, फिर मैंने हिस्ट्री से एमए किया। हिस्ट्री से साइंस, हिस्ट्री स्टार्टिंग मुझे बोरिंग लगी थी कि साइंस का आदमी जब हिस्ट्री से एमए करता है तो उसको बोरिंग सी लगती है, लेकिन मैंने फर्स्ट क्लास से एमए कर लिया। नॉन कॉलेज क्या हुआ ना, नॉन कॉलेज, वो नॉन कॉलेजेड थी और मेरी उधर नौकरी भी चल रही थी। मेरा नौकरी में बहुत इंटरेस्ट नहीं था, मेरे पास लाइब्रेरी का साहस था तो अच्छी बुक्स आती थी, प्रत्युदर्पण, इंडिया टुडे, मेरे एचएम भी बहुत अच्छे थे, वही थर्ड ग्रेड से फिर प्रिंसिपल बने थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे बोलते थे छोटे वाले बाबू जी, नाम से नहीं, छोटे वाले बाबू जी आप तो फटोर पढ़ाओ, क्या आप आगे तक जा सकते हो? तो उनकी प्रेरणा, प्रमोद जी की प्रेरणा से फिर मैंने बीएड को बोली मैं बीएड नहीं करनी। फिर उसी साल सब इंस्पेक्टर की एग्जाम आई थी 5 साल से, तो मैंने एसआई का फॉर्म भरा, राजस्थान पुलिस से सब इंस्पेक्टर होता है, 2 स्टार लगते हैं जिसको गाँव में थानेदार कहते हैं, उससे 55 सीट थी जनरल की, मैंने फॉर्म भर दिया, 10 लाख को आवेदन हुआ। तो पहली बार अपन, मैं एक तो फेल हुआ आदमी, फिर बहुत पहली बार 5 साल से वैकेंसी आई सब इंस्पेक्टर की, तो डर सा लगता कि 55 सीटों में जनरल में अपन आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें तो सभी आल ग्रेजुएट एग्जाम देंगे। ठीक है, ओबीसी वाले ज़्यादा, जनरल तो 25 साल थी जिस समय। तो मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया एसआई का, मेरा एसआई में एंट्री कॉल हो गया आगे चलना, लेकिन एंट्री कॉल 15 गुना बुलाते हैं एंट्री कॉल में उसमें आरपीसी में। और उसी समय मेरी आरएस प्री की एग्जाम भी थी, उसी टाइम दोनों साथ साथ चल रही थी। अब देखो आरएस प्री में मुझसे क्या गलती हुई, इतिहास, मतलब ईश्वर चाहता है कि आप जो चाहते हो ना वो वहाँ तक पहुँचाता है। तो हिस्ट्री आरएस पहले प्रीलिम्स पे सब्जेक्ट चला करते थे, प्री अब तो कॉमन पेपर हो गए वर्तमान में, पहले आप एक जीके का पेपर लगता था, एक लगता था सब्जेक्ट का, जो आप सब्जेक्ट प्री मेंस इंटरव्यू उस पर ले सकते थे। तो प्री में मैंने लिया हिस्ट्री, क्योंकि मैंने हिस्ट्री से एमए की थी। तो उसमें क्या, हर सब्जेक्ट के अलग अलग कोड होते हैं, एग्रीकल्चर का 1, बॉटनी का 2, जूलॉजी का 3, या उसके अलग अलग पॉलिटिकल का ये, ज्योग्राफी, अलग अलग संख्या होती है। तो उसमें हिस्ट्री का क्या था, 18 था कोड नंबर, जिसको हम ओमार शीट पे भरते हैं। तो मुझसे क्या गलती है कि ऊपर का जो कॉलम होता है ना, वहाँ तो भर दिया हमने 18, और नीचे फिर हम ब्लैक करते हैं। तो मेरे को ब्लैक करना था
8 और 8 ओमर सीट में, आप जानते होंगे जो एग्जाम देते हैं। अब मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे एक जीरो काला हो गया और एक काला हो गया ओमर सीट में, तो ऊपर कॉलम में तो 18 और नीचे 0 और 1। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो ब्लैक करते हैं ना उन्हीं को पकड़ता है। तो मेरे 01 से आ गया आरएस प्रीमियम सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आ गया। और तैयारी किससे की मैंने, हिस्ट्री से। तो जिस समय सब लड़के प्री के एग्जाम दे रहे थे, चार रोज बाद प्री है, सर के सभी सब्जेक्ट उन्होंने तैयार कर रखा था, मैं सब्जेक्ट हिस्ट्री था, लेकिन कुदरत ने मुझे क्या दे दिया, एग्रीकल्चर, जो मेरी जिंदगी के फटाई नहीं। मैं फिर हताश हुआ, तो मैं सेंट्रल लाइब्रेरी अपने यूनिवर्सिटी में बैठा था, सभी लोग भाई चार दिन बाद में आज प्री एग्जाम है, अपन प्री देंगे, हमको यार हमारे तो पान मतलब हम तो हो गए बर्बाद। फिर कोई दोस्त मिला सलीम खान, जो समय तैयारी करता था अभी आ रहे हैं सलीम, जो चौमू तहसीलदार भी रहा था, उसने कहा यार आप भाई साहब कौन हो, मुझे भाई साहब मेरा नाम विश्वनाथ कोशी, उदास क्यों, मुझे भाई साहब मेरे साथ ही गड़बड़ हो गई, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था लेकिन आरपीसी ने मुझे दे दिया एग्रीकल्चर, क्यों गलती हुआ, मुझे भाई साहब ओमा शीट में या तुमसे गलती हो गई पढ़ने में, तो कहते आप कोर्ट की शरण में चले जाओ, कहाँ पे, हाई कोर्ट की शरण में रिट लगा दो। तो मैं हाई कोर्ट में मैंने रिट दायर कर दी, इस वकील के पास गए, उन्होंने मुझसे कोई फीस नहीं ली कि आप बन जाओ तो मेरे पास आना, तो रिट लगा दी। कल एग्जाम 10 बजे से, और 2 बजे तक मेरा कोई चांस नहीं कि मैं एग्जाम दूंगा नहीं दूंगा। फिर 4 बजे मेरी रिट दायर होती है हाई कोर्ट में, और मुझे कोर्ट के टेम्परेरी आदेश से कि इनको आरएस प्री एग्जाम दी देने की परमिशन दी जाती है, और मुझे तुरंत आदेश दिया जाता है कि आप अजमेर जाके एग्जाम दो आरएस प्री अजमेर, बंद कर दिया जाता है। आप उस टाइम कहाँ थे, जयपुर, सभी सेंटर जयपुर आए थे, मेरा एग्रीकल्चर का सेंटर कहाँ आया था, जयपुर, लेकिन मुझे हिस्ट्री से अप्लाई करना था, तो मुझे सेंटर कहाँ दिया उन्होंने, अजमेर हाई कोर्ट के आते से, तो मैंने आर एस प्री एग्जाम अजमेर से दे ली। तो मतलब कि जैसे 4 बजे निकला था ना वो नोटिस, तो आज 4 बजे कल मेरी एग्जाम है, अच्छा कल है, तो फिर रात को मुझे अजमेर जाना पड़ा और मॉर्निंग में एग्जाम देना पड़ा, भगवान की जैसे मेरा पेपर अच्छा हुआ, ठीक है, हाई कोर्ट ने अपने आदेश की पालना दे दी और आरपीसी ने उस आदेश की पालना कर ली। अब सब लड़के जिनके पेपर अच्छे हुए मिलान कर लिया, अब मुझे डाउट था कि मैं अब मेरा रिजल्ट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश से मेरी एग्जाम लगी थी। तो फिर मैंने आरपीसी के चक्कर काटे, राजस्थान लोक सेवा खूब गया मैं, इस चक्कर मैंने खूब किया है, रिजल्ट आने से पहले चेहरे पर बहुत स्पेलिंग दिख रही है ना उसके, पैर में कितने कांटे चुभे वो मैं ही जानता हूँ। तो सभी जब लड़के फिर आर एस पीरी में मिलान कर लेते हैं दूसरे तीसरे दिन से कि आर एस की इतनी कट ऑफ जाएगी, तो जिनके अच्छे नंबर थे पास वो मेंस में लगे, उसके बाद में होती है मुख्य परीक्षा, फ्री होगी फिर होती है मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू, तो सभी लड़के मुख्य परीक्षा में लग गए। अब मेरा कोई सब उस लिफाफे में मेरी जिंदगी कैद, मेरा भाग्य कैद। तो उस समय सीआर चौधरी हुआ करते थे, सीआर चौधरी साहब उस समय चेयरमैन थे आरपीसी के नागौर वाले, जो बाद में सांसद भी बने थे, उनके बाद वो तो जाने लग गए थे कि साहब मेरा लिफाफा खोलो, मेरा लिफाफा नहीं खुला बंद का। उसी समय फिर मेरा एसआई का हो गया इंटरव्यू आ गया, मैं पास हो गया एसआई में, और सीआर चौधरी साहब का ही वो आ गया, मतलब चेयरमैन जो इंटरव्यू लेते इंटरव्यू बोर्ड आ गया, तो पहचान गए कि आप तो आरएस के कैंडिडेट थे, क्या रिजल्ट का नुकसान, रिजल्ट आज आपके पास लिफाफे बंद है प्री का, और मैं तैयारी तो करूँ सर, मैं अभी नहीं तो अगली बार दूंगा, दूंगा जरूर, तो कुछ क्या रहा हाई कोर्ट के आदेश से, मुझसे रिजल्ट अभी मेरा खुला नहीं फ्री का, आपने लिफाफा बंद कर रखा है। तो आज लोग साहब ऐसा ही एंट्री है, तो मेरा ऐसा ही एंट्री बहुत अच्छा किया, उसने 50 नंबर का एंट्री बताया था, मैं 36 नंबर आए, 36 नंबर भी क्यों आए, क्योंकि ईश्वर को तो शुरू से मानता हूँ मैं, भाई ईश्वर आपके एक रास्ता बंद करता है ना, ईश्वर आपके 100 रास्ते खोलता है, 100 रास्ते, तो रास्तों को पहचानना चाहिए, इंसान हो नर हो निराश न करो मन को, तो निराशा मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोची, मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ कि पता नहीं इसमें क्या अच्छाई होगी, हताश पिताजे एक स्तर हो गए, 9 किल लगी छोटी सी उम्र में, चाहता तो बर्बाद हो सकता था, क्योंकि नहीं पैसा मिल रहा था, 18 साल में 9 किल चला गया था, युवा था, सब कुछ था, तो बिगड़ सकता था, लेकिन ईश्वर का माता पिता का संस्कार थे कि भाई सही रहा मैं ट्रैक पे। तो ऐसा एक इंटरव्यू था, उसमें क्या अपने चौमू में हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ दुर्गा माता का मंदिर है जयपुर रोड पे, सच्चाई बताता हूँ उस मंदिर की, लोग कहते ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर को साक्षात हर जगह अनुभव किया, ईश्वर को मैंने जब भी विपत्ति आई मैंने ईश्वर के आगे गुहार लगाई, ईश्वर ने मेरी सुनी, अगर हम सच्चे दिल से ईश्वर को याद करते हैं वो आपकी सुनता है। तो मैंने 101 सुंदरकांड के पाठ किए, सुंदरकांड के पाठ सुबह शाम, सुंदरकांड कभी 5 कर लिए, कभी दिन में 6 पाठ कर लिए, और मेडिटेशन, ओम के उच्चारण, और न्यूज़पेपर पढ़े, और ये सब हुआ मेंस से पहले,
ये ऐसा एक इंटरव्यू से पहले की बातें हैं, अभी मेंस की बताऊंगा मैं आपको आगे। पहले ऐसा एक इंटरव्यू, लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है या पाखंड है, ईश्वर है अगर उसको सच्चे दिल से याद किया जाए ना, तो ईश्वर को आपका अनुभव होता है। तो मैंने एक सुंदरकांड की पाठ किए, पिताजी एक क्षण हो चुके थे, बाबू था, कोई पैसा भी नहीं था कि लोग कहते कि ऐसा एक इंटरव्यू 10-10 लाख रुपए 15-15 लाख रुपए चलते हैं, सुनते थे। अब वो तो हकीकत भगवान जाने क्या होता है। तो मैं ऐसा है कि इंटरव्यू देने चला गया, उस रात ऐसा कि इंटरव्यू लगे, उस रात से पहले मैं ताऊजी क्रमकांडी अच्छी ज्योति सी, तो गांव में गांव के थे, ब्राह्मण थे, तो ये पंडिताई करवाना फेरे करवाना, वो उस रात को क्या फेरे करवाए गया था, ताऊजी बूटे थे तो मेरे को ले जाते थे कि यार तू चल, तो मैं ताऊजी का हाथ क्रमकांड में बटवा देता था। ताऊजी मंत्र बोलते थे, मैं मेरे को आते पूजा पाठ क्रमकांड, अब तो मैंने छोड़ दिया क्रमकांड। यानी कि आप डिप्यूटी कमिश्नर के साथ पंडित जी भी है। हाँ, ब्राह्मण था, जैसे मैं कर्म है भाई, कर्म तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करो फल मत करो, मेरा कर्म था, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो कर्म तो भाई वो किसी का उसका कास्ट का तो आना चाहिए, चाहे वणी को वैश्य उसको भाई वो आना चाहिए, लिखा पढ़ी चाहे करे या ना करे। तो फिर मेरा इंटरव्यू आ गया, उसमें हेमंत पुरोहित जी थे आईजी, एक तो चेयरमैन होता उसके साथ, दो तीन एक्सपर्ट बैठते हुए बोर्ड, ऐसा ही की बात कर रहा हूँ। तो हेमंत पुरोहित जी से इंटरव्यू चल गया मेरा, सब ईश्वर के दिन गया था मैं, तो 55 सीटें थी जिनमें की बोल लोग इंटरव्यू देने वाले, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ मेरा, फिर चलते चलते इस पे आ गया ये, फिर आपने ये क्यों पहन रखा है, हेमंत पुरोहित आईजी साहब ने पूछा। मैं साहब ब्राह्मण हूँ, कल रात को मैं ताऊजी के साथ फिर एक करा के आया था, और आते ही मैं इंटरव्यू आ गया, मैं आ गया, मैं उसको खोल नहीं पाया, ठीक है नाम क्या है, मुझसे नाम विश्वनाथ है। फिर मैं इंटरव्यू चला, विश्वनाथ, विश्वनाथ क्या है, मूसा किसका नाम है, तो मैंने कहा सर शिव जी का नाम है, और कहा है विश्वनाथ, मैं सर मुझे काशी में ज्योतिर्लिंग है, ठीक है ज्योतिर्लिंग यार, मैं ज्योतिर्लिंग है दिल्ली में करता हूँ, शिव जी के बारे में नाम सौराष्ट्र सोमनाथ है, तो और कहा था, तो मैंने पूरे मंत्र सुना दिए, बूढ़े आप पूरे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग याद है, वहाँ सर याद है, ठीक है राजस्थान में कहाँ है, राजस्थान में घुसपेश्वर महादेव है, साई मधुटो के यहाँ भुवेश्वर घुसपेश्वर सर, उसको भी 12 ज्योतिर्लिंग मानते हैं। फिर काशी क्या था, फिर मैं काशी से इष्टी का था, काशी जनपद था, और काशी पे उस समय समान आदमी की मूवी आई थी वाटर समलैंगिक रिश्तों पे, वो थोड़ी विरोध में थी वाटर, उसका विरोध हुआ था, तो कुछ ये फेमस के वर्तमान में सर काशी इसलिए फेमस है जैसे क्या। फिर कहते बर्थडे कब आपका जन्म तारीख, सर 2 अक्टूबर जो भी किया है ना, 2 अक्टूबर को किस किस का, वैसा महात्मा गांधी जी का हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी का हुआ, और मेरा भी हुआ, नव हंसने लग गए। फिर 5 राजस्थान के क्वेश्चन पूछे, फिर आप ऐसा ही बन के क्या करो, अगर आपको ऐसा ही बना दिया जाता है तो क्या करोगे, और साहब जो भी संविधान ने प्रदर्शक किया दिए लाइन ऑर्डर है वो काम करूँगा। फिर थोड़ा उस पर पूछ लिया कि 166 के बयान क्या होते हैं, 164 के बयान क्या होते हैं, और सिंपल सा जो मैं तैयार करके गया था और न्यूज़पेपर पे चला सब कुछ, तो ऐसा ही इंटरव्यू अच्छा हो गया मेरा। और हेमंत पुरोहित जी या भगवान हनुमान जी कृपा रही, मेरे 36 नंबर आए 50 में से, तो 36 नंबर आने का मतलब है कि या तो आपकी बहुत हाईली अप्रोच हो तब आते हैं, तो मैं ऐसा ही मैं सेलेक्ट हो गया। उसी के बाद में इंटरव्यू रिजल्ट के बाद मेरा रिजल्ट खोल दिया आरपीसी ने, मैं आरएसपी पास हो गया, दो महीने ब्रेक रहा मैं, और 2 महीने का टाइम मिला मेंस पे, 2 महीने 4 महीने का टाइम देते करीब करीब प्री और मेंस के, ऐसे 45 डेज मानते, लेकिन 4 महीने करीब करीब उस समय लग जाता था। तो मेंस 2 महीने बाद मेंस लड़के तैयारी कर रहे थे, अब 2 महीने पीछे हो गया, लेकिन जब इसको बनाना होता है ना इसको लेक्चर को, तो आपने उन 2 महीनों में प्रिपरेशन नहीं की, मैं 2 महीने चल रही थी ना प्रिपरेशन, हाँ। मैं ये सोच रहा हूँ अब की नहीं अगली बार बनना तो है, तो टाइम क्यों खराब करें अपन, इसको से छुट्टियां ले ली थी मैंने, वो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आप ये नहीं कि आप जो भी कर लो सैलरी मिल जाए तैयारी भी कर लो, फिर आपको जो मन इच्छित सपना है ना टारगेट है ना उसको पता नहीं कर पाओगे आप। अर्जुन देखता ना पेड़ पे एक पक्षी की आंख दिखती है, उस आंख को देखो फिर आप, आपको लक्ष्य प्राप्त करना तो करना है। फिर 2001 में शादी कर दी मेरी, शादी जल्दी हो गई थी, 20 साल की एज में शादी कर दी थी मेरी, क्योंकि पिताजी थे नहीं तो मामा जी ताऊ जी ने कर दी कि ब्राह्मण मैं जॉब लग जाता तो कहीं आ जाते गाँव में, लड़का जॉब वाला है ठीक है इसलिए कर दो, छोटी सी उम्र में शादी कर दी मेरी। तो उस टाइम पे मैंने बीएससी की थी उस समय, 21 की एज से पहले ही हो गया, पहले हो गई थी, क्योंकि वो माँ ने कहती माँ को सपोर्ट मिल जाए, मामा को चिंता रहती है बांध जाए करनी तो है, नौकरी लगी गया इससे खूब आते थे, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, तो उसे बाल विवाह थोड़ी कहेंगे, अब मैं उसको बाल विवाह देखूंगा, लेकिन क्या परिस्थितियाँ नहीं करवा दी, जैसे महात्मा गांधी की भी कम उम्र में हो गई थी, वैसे विधि का विधान था, पत्नी भी अच्छी मिली। फिर मैंने तैयारी की, फिर मेंस में रिजल्ट आया, मेंस में पास हो गया,
कहाँ एग्रीकल से देना था, कहाँ स्टील लेके, कहाँ कोर्ट की सेंड से, ठीक है। फिर मैं ऐसा ही बनने से पहले अप डाउन करता था, मैं गोविंदगढ़ से पलसाना, हाँ तो योगेंद्र जी फौजदार डिवाइस हुआ करते थे लिंगस, जो वर्तमान में एडिशनल एसपी डीडवाना लगे हुए हैं। तो मेरे प्रिंसिपल साहब को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो मेरी मैं बुक्स लेके आया था यहाँ चौरास्ते से लाइब्रेरी की, बजट आता था, अच्छी बुक्स पढ़ते थे मतलब अच्छे साहित्य की, साहित्यकारों की। तो उसमें एक शिवाजी सावंत हुआ करते थे मराठा के, मराठा लेखक, उन्होंने अर्जुन पे, इस पे कर्ण पे और भगवान वसुदेव कृष्ण पे बहुत अच्छी किताबें लिखी थी। अर्जुन उस पे कर्ण पे तो लिखी थी मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया, और भगवान कृष्ण पे लिखी थी वासुदेव। तो उसको ये किताब जो मुझे दे दे, और सब आपको जानते नहीं हम कौन तो नहीं जानता। फिर उसने कहा कि मैं डिवाइस भी पोस्टेड हुआ नया नया, योगेंद्र फौजदार मेरा नाम है, तो मैं उनसे मोटिवेट हुआ, यार ये आर पी एस बन सकता है, मैं अधिकारी क्यों नहीं बन सकता, तो हमारे अच्छे लहजिंग हो गए। फिर उन्होंने वो किताब लिखी थी, किताब पढ़ना तू मृत्युंजय। तो मृत्युंजय जब किताब पढ़ी ना मैंने स्कूल किताबों के अलावा, तो उसी मृत्युंजय पे देखो ईश्वर चाहता, उसी मृत्युंजय पे मेरा चला आर एस का इंटरव्यू उसी पे चला। दसौरा जी थे उदयपुर के आर पी सी मेंबर, जैसे सी आर चौधरी साहब थे ना, ऐसे दसौरा जी थे उदयपुर के थे मेंबर थे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बुक बताओ जो आपने आर एस की बुक्स के अलावा पढ़ी हो। आपने वो पढ़ी थी? हाँ, तो सामने मैंने मृत्युंजय पढ़ी है। किस किस की थी? मुख्तार शिवाजी सावंत की। किस भाषा में लिखी? उसने मराठी में लिखी थी, उसका हिंदी हिंदी में रूपांतरण कर दिया गया। मृत्युंजय किसका नाम था? मुख्तार कर्ण का नाम था। कर्ण का उसमें नाम क्या था असली? मुख्य स्वर्ण, कर्ण को स्वर्ण नाम से प्रचार, अच्छा नॉलेज है। उसने तो पढ़ी थी। कब पढ़ी? उसका मैं बाबू हुआ करता था स्कूल में, तब पढ़ी। तो बाबू क्यों बने? थोड़ा इमोशनल हो गया मेरे साथ। मुझसे बाबू इसलिए बना कि मेरे पिताजी का ध्यान तो गया था, इसलिए मुझे बाबू बनना पड़ा। तो बाबू फिर चाहे कब बने? मोसा 99 बाबू बन गया था मैं, और फिर गया तुम तो जो जल लड़के हो साहब, मैंने इस मुकाम पे पहुंचा हूँ आज। तो मेरा आर एस तक का ही सफर ये रहा। तो मैं 7 साल तो बाबू रहा LDC, 7 साल, हाँ, क्योंकि BSC की 3 साल तो BSC, 2 साल है मैं तो उसमें। फिर आर एस की वैकेंसी आई नहीं थी, आर एस की आई थी 2003 के बाद, 2007 में आई थी। अब तो हर साल आती है? नहीं, अब तो 2 साल में आती है, हर 1-2 साल पहले 4-4, 5-5 साल से आती थी। तो उस पर फिर उसकी एग्जाम लगती है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर बाद पोस्ट, इससे टाइम लग जाता है आर एस के एग्जाम में। अब तो हर साल आती है, बट अभी भी जैसे उसमें तो टाइम लग जाता है इंटरव्यू में, पोस्टिंग में। हाँ, तो 7 साल बाबू रहा, 3 साल सब इंस्पेक्टर रहा, सब इंस्पेक्टर जॉब मेरी वहाँ रही अलवर में, और अलवर लास्ट पोस्टिंग के बाद में आर एस इससे बन के आ गया 2008 के बीच में। तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई थी? इस पोस्ट पे पहले गया था नीम का थाना में, नीम का थाना एज ए फोर्स, सब इंस्पेक्टर से रिलीव होके मैं वहीं आया था। तो आपने SI को ज्वाइन नहीं किया फिर? SI रहा 3 साल, रहा सब इंस्पेक्टर, फील्ड की नौकरी की SI की मैंने। तो यानी कि इसमें पोस्ट आरएस की पोस्टिंग होने में टाइम लग गया, इसलिए फिर आपने वो छोड़ दी। फिर क्या छोड़ने, उसको क्या मेरी नौकरी जुड़ जाती है। अच्छा, तो मेरी 23 साल की नौकरी हो गई 12 अक्टूबर 1999 से लेके आज तक 23 साल की मेरी जॉब हो चुकी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इंसान कोई मतदान नहीं चाहिए। अब आप सबके होते हैं, मैं भी एक अध्यापक का बेटा था, हम 5 भाई बहन थे, ये नहीं कि हम पेशी वाले हैं कि हमारे को लैंड लॉर्ड था, कुछ खेती की बड़ी ज़मीनें थी, कुछ नहीं। आपका अगर लक्ष्य सही है और आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो ओम शांति ओम का डायलॉग है ना, कि किसी चीज को प्राप्त करना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बस आप में लगन होनी चाहिए और कुछ करने की जुनून होना चाहिए, तभी आदमी कर सकता है। अधूरे मन से कोई चीज मत करो, पूरे मन से करोगे ना तो आपको लक्ष्य मिलेगा, आप लक्ष्य को प्राप्त करोगे। ओके सर, तो ये यानी कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था आरएस का और SI का दोनों का, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया, आप फेल हुए एक बार BTD एग्जाम में, फेल हुआ BEd की एग्जाम जिसमें टीचर्स बनते हैं ना, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड स्कूल, उसमें फेल हो गया था मैं। तो सर अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, उस टाइम की स्ट्रेटेजी और आज की टाइम की स्ट्रेटेजी में काफी डिफरेंस होगा जहां तक मेरे को पता है, तो पहले आप अपनी स्ट्रेटेजी बताएं और आज के टाइम से भी कंपेयर करें उसको, कि कैसे इनको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। पहले आरएस में क्या सब्जेक्ट हुआ करते थे, आज की तुलना में पहले 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते थे, और हिंदी इंग्लिश पेपर वही थी, कॉमन GK हुआ करता था, 4 GK के पेपर हुआ करते थे, 2 GK का फर्स्ट सेकंड, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, और सब्जेक्ट के पेपर हुआ करते थे। वर्तमान में सब पेपर कॉमन हो गए, कोई सब्जेक्ट नहीं, कुछ नहीं, चारों समान है,
उसमें अलग अलग हुआ करते थे सारे पेपर। हाँ, तो मैंने जब दी तो मेरे बैकग्राउंड मेरा साइंस का था, लेकिन मेरे सब्जेक्ट थे हिस्ट्री और फिलोसफी। फिलोसफी इसलिए लिया जाता था कि फिलोसफी तो लॉजिक देता है आपको, और फिलोसफी सब्जेक्ट छोटा सा था, हिस्ट्री लेंदी थी, लेकिन हिस्ट्री हमेशा आपको कभी डुबोती नहीं है, हिस्ट्री आपको एक एवरेज सपोर्ट करती है, आपको थोड़ा नॉलेज है ना, और आपको उस हिस्ट्री को वर्तमान परिस्थिति से तुलना करना जाए तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर देता है। तो पहले वर्तमान स्टडी की अपन करें, मतलब क्या हो रहा है, तो मैं तो कहूँगा जो भी एग्जाम दे रहे हैं ना उनको तो एनसीईआरटी बुक्स है ना उनको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। हाँ, और एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू जो टॉपिक है सिलेबस के उस हिसाब से आप नोट्स बनाओ, ताकि जो भविष्य में नोट्स बनेंगे तो आपको बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आप यूपीएससी दे रहे हो या आरपीसी दे रहे हो तो एनसीईआरटी में करीब करीब क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। दूसरा, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो मैं हाथ में पेन लेके पढ़ता था, जैसे कोई इंपोर्टेंट आता है तो उस अंडरलाइन को अंडरलाइन कर लेता था। अंडरलाइन करने का मतलब है कि आप उस चीज़ को बहुत गहराई से और एकाग्रता से पढ़ रहे हो। अंडरलाइन का मतलब है कि आपने गहराई से पढ़ी तो चीज़ आपको याद हो गई। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे? मैं पत्रिका भास्कर दोनों पढ़ा करता था, हिंदी हिंदी मीडियम में, मेरा मीडियम हिंदी रहा है, गांव से था तो इंग्लिश अपनी इतनी हाई फाई थी नहीं, हिंदी मीडियम से, और मेरी रैंक 76 रैंक आई थी उसमें, राजस्थान आर एस में आल राजस्थान 76 ऑल ओवर। तो आपको एक तो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो, और जो भी पढ़ो उसको गहराई से पढ़ो, कि जैसे जितने गहराई में जाओगे मोती गहराई में मिलते हैं, यानी कि आपने आउटलाइन पढ़ ली तो आपको समुद्र की सतह पर तैरना आएगा, और गहराई में चले गए ना तो आपको मोती मिलेंगे। मोती मतलब आपका लक्ष्य आर एस है, आर पी एस है, आई एस है, आई पी, वो मिलेगा। इस जो भी पढ़ो, मैं जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनको ये कहूँगा कि जो भी पढ़ो आप गहराई से पढ़ो। और लोग कहते हैं गाइड लास्ट ऑप्शन है, पर जो टॉपिक है उनको बुक से क्लियर करो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आर पी एस सी यू पी एस सी नहीं चाहते कि आपको एक्सपर्ट, नहीं चाहते कि आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, आप चाहते हो उस टॉपिक का आपको एज ए नॉलेज होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट का नॉलेज, नॉलेज लगभग एवरेज, कि आपको लगभग दुनिया में क्या हो रहा है वो नॉलेज हो, आपकी हिंदी कैसी है, आपकी अंग्रेजी कैसी है, आपकी हिस्ट्री कैसी है, एवरेज नॉलेज। उन्हीं की जिसे अपन कई बार हताश हो जाते हैं कि सामने वालों को एक सब्जेक्ट का ज्योग्राफी का बहुत अच्छा नॉलेज है, वो ये कर देगा मेरे को सब आता है, वो देखते हैं वो आदमी सेलेक्ट नहीं होता, और एक जो सिंपल सा एवरेज लड़का है वो आर एस टॉप कर जाता है, आई एस टॉप कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सबको ज़्यादा गहराई नहीं मांगता एक्सपर्ट हो, कि इस बंदे को दुनिया में क्या हो रहा है वो उसको नॉलेज है, और उसका वो मांगती है आरपीसी यूपीएससी। मेरा बैकग्राउंड साइंस का था, साइंस का मुझे बहुत गहरा ज्ञान था, लेकिन वो हिस्ट्री नॉलेज एवरेज था, पॉलिटी एवरेज नॉलेज था, ज्योग्राफी एवरेज नॉलेज था, मैं माँ के कोख से सीख के नहीं आया, सब ये पढ़ाना मैंने। तो मैं तो ये कहूँगा जो भी आर एस के एग्जाम दे रहे हैं उनको लगभग एवरेज नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि काश मैंने ट्वेल्थ के अंदर आर्ट्स ली होती, ऐसा फील नहीं हुआ कभी? गुड पॉइंट। मैंने जब यहाँ बनाना इस पॉइंट पे, तो मैंने इसी यार मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की बीएससी करके, मैं बीएससी की जगह बीए कर लेता तो पता नहीं मैं किस मुकाम पे पहुंच जाता, क्योंकि साइंस में बारह तक साइंस पर्याप्त होती है, बारह से ज्यादा साइंस किसी भी एग्जाम में नहीं आती, चाहे आप यूपीएससी दे लो कोई भी दे लो, साइंस आपकी वहीं वही आएगी जो आपने ट्वेल्थ क्लास से पढ़ ली। अगर आपका इच्छा आर एस है आई एस बनने का है ना, तो आप बीए कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, क्योंकि जो चीज़ आपको तीन साल बाद पढ़ोगे उसको अभी पढ़ लो। सही है। तो आप मेरे तो आपके खून में आ चुकी है, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने तीन साल गहराई से पढ़ो ना तो उधर आपकी ग्रेजुएशन भी होगी, और जैसे ग्रेजुएशन होने के बाद आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा मुकाम हासिल कर जाओगे। तो मुझे कई बार जो आपने ये फील होता था कि मैंने बीएससी के बजाय अगर मैं आर्ट्स से बीए करता तो मेरे लिए वो ज़्यादा फलदायी होता, लेकिन फिर भी अच्छे खासे मतलब हो गया अच्छे तरीके से। तो सर आपके मार्क्स कितने आए थे आर एस में? उसे मार्क्स तो 2010 का रिजल्ट था, मेरा इंट्री का पता है, इंट्री में 105 नंबर आए थे 160 में से 105 और एक राठौड़ साहब थे, नांगल साहब बोलते थे, उनका बोर्ड हुआ करता था, और मेरा इंट्री जो चला था पूरा सब इंस्टीट्यूट में चला था, कि मैं एसआई से इंट्री देने गया था तो पूरा पुलिस में चला था मेरा इंट्री। लोग कहते हैं कि आपको ये तैयार करो ये तैयार करो, अगर कोई कैंडिडेट्स अभी आर एस के इंट्री चल रहे वर्तमान में आर पी सी में, तो जो आपका सेक्टर है ना उस सेक्टर को आप अच्छा तैयार करो, वो ये चाहता कि उसमें आपका कितना नॉलेज है उससे पूछ सकता है, ये नहीं कि आपने जो चीज़ पढ़ा वो नहीं पूछे, जो आप जो तैयार किया वो अवसर देते हैं आपको
कि आपने अच्छा क्या पूछे आपको, तो बता सर मैंने ये तैयार किया है, तो वो तैयार कर लो, अच्छा तैयार कर लो, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको नहीं आए ना तो कॉन्फिडेंस के साथ मना कर दो कि सॉरी सर इसका उत्तर मेरे नहीं आता, मुझे कई क्वेश्चनों के आंसर नहीं आए। वो आपको चेक करते हैं कि आप पे कॉन्फिडेंस कितना है, पब्लिक को आप डील कैसे कर पाओगे, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ज्ञान तो नहीं दे रहे पब्लिक को, क्योंकि आपका जो ज्ञान है नॉलेज वो तो आपकी रिटर्न एग्जाम में उन्होंने पढ़ लिया कि लड़का यहाँ तक आया, इसका मतलब पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट, तभी तो आया यहाँ तक। अब वो आपका चेक करते कॉन्फिडेंस कि कॉन्फिडेंस कितना है, आप पब्लिक से कैसे बात करोगे, जॉन्सन नहीं आया तो उसका मना कर दो, आई एम सॉरी मुझे इसका उत्तर नहीं आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठ आंसर नहीं की बजाय। और उस टाइम पे कितनी पोस्ट आई थी? उस समय 324 ऑल ओवर थी, 100-150 पोस्ट थी प्रॉपर की, मतलब आर एस आर पी एस से, ये एस सेल टैक्स से, अकाउंट से। और आज के टाइम में और पहले के टाइम में कितना कंपटीशन में डिफरेंस आ गया है? आज के टाइम में कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया। इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन की हर आदमी जो ग्रेजुएट होगा वो हर आदमी आर एस बनना चाहता है, कंपटीशन बहुत है। फिर इसमें क्या जो जीके भी क्या बहुत लेंदी कर दिया, पहले सब्जेक्ट दो ही हुआ करते थे, जो भी दो प्लस जीके कॉमन था, अब इस बार ये थोड़ा से योगा है, मेडिसिन है, गेम्स है, लोक प्रशासन है, सोशोलॉजी है, हर सब्जेक्ट का नॉलेज मांगते हैं इसमें। उस समय तो ज़्यादा जो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज हो, राजस्थान का नॉलेज हो, जीके हो, तो आप आराम से नदी पार कर जाओ, तैर के चले जाओ। इस बार क्या सब्जेक्टों की बहुत ज़्यादा हो गई, पॉलीडोमिनेंसी हो गई, तो आपको हर चीज़ करना पड़ता है इसमें तैयार। तो सर आपका रूटीन क्या होता था उस टाइम पे, आपने जब प्रिपरेशन करी है ना, और आज के टाइम पे रूटीन क्या है? उस समय रूटीन रियलिटी बताऊंगा मेरे दोस्तों, हम जब दुनिया सोती थी तो हम खाना खाते थे, मतलब रात के डेढ़, हम चार दोस्त थे, तीन दोस्त, एक तो वीडियो है रायलाल शर्मा, एक CI है पहुंचे हुए जो अभी पहले सिकर था, आजकल अलवर लगा हुआ है, तो हम तीन दोस्त थे, तीनों दोस्त रात को 2-2 बजे तक पढ़ा करते थे। और तीनों का सिलेक्शन हो गया? हाँ, तीनों का सिलेक्शन हो गया। और जब दुनिया 4 बजे उठती थी, उस समय 1.5-2 बजे हम खाना खा के सोते थे, और सुबह 9 बजे उठते थे, क्योंकि तीनों साइंस बैकग्राउंड के थे, तीनों एक ही पंचायत से मिलते गए थे गौनगढ़ के हम तीनों, और तीनों दोस्त थे, तीनों एक जगह रहते थे टॉप फाटक, तीनों बहुत तैयारी करते थे। हमारा एक दोस्त था जिसका नाम नहीं लूंगा, आज तो उसकी गलती, वो क्या ये खाता था वो क्या मिराज या खेनी, वो यहाँ तो क्या कर पूरी रात फटता था वो उसको खा के, तो उसकी संगत में हम भी कंपटीशन में पूरी रात उसके साथ फट लेते थे, भाई खा के की पासा खा के जाना है, वो फट रहा है तो क्या दोस्तों में थे जैसी होती है आपस में कि यार ये फट रहा है तो मैं भी स्टडी करूँ, तो क्या वो खा के पूरी रात फटा करता था, और बहुत इंटेलिजेंट था वो, तो हम उसकी संगत में हम भी पूरी पूरी रात पढ़ाई खेलते थे, कई बार तो हम खाना नहीं बनाते थे, नमकीन और चाय पी के बिस्कुट खा के रात गुजारते थे, कुछ बनना है, ये नहीं कि हमें वो कलाकंद या बर्फी या माँ की हाथ की रोटी बने। तो उनका सिलेक्शन हो गया? हाँ, हम तीनों का सिलेक्शन हो गया, तीनों ही डायमंड फर्स्ट पर मिले थे। वो जो मिराज खाते थे ना, वो आजकल CI है, सिक्स स्टार रास्ता है, पुलिस में बहुत इंटेलिजेंट था, मुकद्दर की बात की होती कि प्रॉपर, लेकिन वो भी आज अच्छी पोस्ट पे है, उसको बहुत अच्छा नॉलेज था, बहुत हमसे ज्यादा मेहनती था वो लड़का, इंटेलिजेंट था, लेकिन एक तो वीडियो बन गया दोस्त मेरा, एक मैं यहाँ डिप्टी कमिश्नर बन गया, वो आजकल CI रास्ता है पुलिस में। आज का रूटीन क्या है आपका? आज का रूटीन क्या है, देखो मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ, मॉर्निंग में घूम के आता हूँ, फिर वर्तमान में 2-3 बेटे हैं उनकी मालिश करता हूँ उनकी मालिश करता हूँ कोकोनट ऑयल से, उनको नहलाता हूँ, उनको दूध पिलाता हूँ, कि मेरी वाइफ इसको लेक्चर है, तो सुबह 7:30 से 12:30 चली जाती है, तो मेरे बच्चों का एज ए मदरहुड मैं उनको, और मेरे से बहुत लगाव रखते हैं वो, जब अपनी मम्मी आती है ना तो अपनी माँ को पास नहीं जाते, वो अपनी माँ को छोड़ के मेरे पास दौड़ के जाते हैं मेरे दोनों बच्चे, और टीचर से तो वैसे ही दूर भागते बच्चे। हाँ, तो नहीं वैसे नहीं भागते, लेकिन क्या मैं उनको टाइम बहुत देता हूँ, तो दोनों बच्चों का लगाव मेरे से बहुत जाता है, जो है ना पावर ऑफ लव या अट्रैक्शन ऑफ लव, वो ये देखो जब जो इनोसेंट है बच्चे भगवान के रूप होते हैं, वो मेरे तक खींचे आते हैं, तो मेरी वाइफ को कई बार कहता हूँ मुझे है देख प्रेम की ताकत, बच्चे माँ के पास जाने चाहिए, क्योंकि बेटे बाप को चाहती है, बेटे माँ को चाहते हैं, लेकिन यहाँ विपरीत हो रहा है, दोनों बेटे मेरे पास आ जाते हैं खींच के। जब आप प्रिपरेशन करते हैं फिर आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं, तो फिर एक वो होता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एक हमें ये फैसिलिटी मिलेगी, हमारा रुतबा होगा, ये होगा, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ हो जाती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके ऊपर अभी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज आई है वर्तमान में? देखो सरकार का हमारा डिपार्टमेंट टैक्स का डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, हमें हर ईयरली और मंथली टारगेट अलॉट होते हैं, उन टारगेट्स को हमें अचीव करना पड़ता है,
और कहाँ टैक्स चोरी होती है उसको इंक्वायरी या सर्च करना पड़ता है कि टैक्स चोरी नहीं हो, सरकार को अधिक से अधिक टैक्स मिले, अधिक से अधिक टैक्स मिलेगा तभी सरकार वेलफेयर पब्लिक के लिए काम करेगी, क्योंकि टैक्स में से तो जनता का जनता की भलाई करती है। अगर सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, तो हमें जो टारगेट मिलते हैं हम उनको अचीव करते हैं, वर्तमान में लक्ष्य ये होता है। और आपको फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड की जाती है? फैसिलिटी सरकार ने वाहन दे रखा है, अच्छा पेमेंट देती है, अच्छा कमरा दे रखा है, सब कुछ दे रखा है फैसिलिटी। और कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी? सिक्योरिटी से हमारे रेवेन्यू ऑफिस को इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारे क्या रेवेन्यू टैक्स पेयर है उनसे ज़्यादा काम पड़ता है, तो इतनी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती हम लोग, उतना रिस्क काम नहीं है। हाँ रिस्क नहीं है हमारे, एकदम स्कूल एंड अच्छा डिपार्टमेंट है हमारा, अच्छे लोगों से मिलना होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, बिजनेसमैन है, व्यापारी है, डीलर्स है, उनसे हमारी मुलाकातें होती है। तो सर कभी आप डिप्रेस हुए हैं? कभी आपको ऐसा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले पिताजी चले गए, फिर मैं जॉब कर रहा हूँ तो उस टाइम पे भी कोई पीछे खींच रहा है, आप बीएडी के एग्जाम में भी फेल हुए, फिर आप एसआई में गए, फिर जब आप आरएस प्री का एग्जाम दिया तो उसमें भी वो गड़बड़ हो गई, फिर आप वहाँ पे चक्कर काटे हाई कोर्ट के, तो कभी आप डिप्रेस हुए कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तो फिर आपने जब वो फेलियर आया, एक तरह से फेलियर ये कि आप ये सब कर रहे हो उसको डील कर रहे हो, तो आपने उसको कैसे डील किया, उसको कैसे फेस किया? मेरा आदेश क्या है, स्वामी विवेकानंद है, मैंने मेरे ऑफिस में लगा रखा है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आप जिंदगी में नेगेटिव हो जाओगे, आप अगर पॉजिटिव सोचते हो तो आपको वैसा ही पॉजिटिव सकारात्मक वातावरण मिलेगा जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाएगा, क्योंकि अपना अनकॉन्शियस माइंड जब हम सोचते हैं जिंदगी में वो चीज़ होती है जो सब बोलते हैं ब्रह्मांड में रिपीट होकर वापस आते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना किताब, वो ये तो बोलती है कि जो चीज़ सोचेंगे वो जिंदगी में होगी। आप सोचते हो मैं गंदा आदमी बनूंगा तो आप गंदे बनोगे, आप सोचते कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है तो आप चीज़ प्राप्त करते हो। तो जब भी मेरी लाइफ में डिप्रेशन के पॉइंट आए, जब पिताजी वाला आए, पीटीडी फेल वाला आया, तो मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहा, मेरे कोटेशन भी लगा रखा है मैंने व्हाट्सअप की, कोशिश का दूसरा नाम कोशिक है, कोशिश ट्राई, मैं हर लास्ट क्षण तक ट्राई करता हूँ, मैं हारता हूँ तो लड़के हारता हूँ, ये नहीं कि मैं जल्दी से हथियार डाल देता हूँ, जल्दी से हथियार नहीं डालता, मैं कोशिश करता हूँ। तो मेरे जिंदगी में ये डिप्रेशन के पॉइंट आए या परेशानी आई तो मुझे यूँ लगा कि ईश्वर मेरा इम्तिहान ले रहा है और मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, क्योंकि वो थोड़ा उसी का इम्तिहान लेता है जिसमें दम होता है, हर किसी कमजोर को वो इम्तिहान नहीं लेता, जिस जो कैपेबल है कि इसका देखते इसमें कितना मादा है, कितना जुनून है, उसी का वो इम्तिहान लेता है। तो मैं समझ तो गया था कि 97 से मेरा इम्तिहान ले रहा है, इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पे ये ईश्वर पहुंचाएगा, और अपने को हिम्मत नहीं हारनी है, तो हमेशा मैं पॉजिटिव सोचा, कभी मैं नेगेटिव नहीं सोचता, और हमेशा सामने वाले की देखता हूँ कि इसमें पॉजिटिविटी, इसमें क्या क्वालिटी पॉजिटिव, वो चीज़ ग्रहण करता हूँ, मैं उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं नहीं करता। तो सर जब आपने प्रिपरेशन की उस टाइम पे तो ऑफलाइन स्टडी की जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दो माध्यम है स्टडी करने के, तो आप इन दोनों माध्यम को कैसे देखते हैं कि कौन सा बेटर है आपके अकॉर्डिंग, ऑफलाइन या ऑनलाइन, या फिर दोनों बेस्ट है? मैंने मेरी तैयारी खुद सेल्फ की थी, कोई कोचिंग नहीं ली मैंने चौमू से पढ़ाई की, फिर बाद में जयपुर आ गए थे तीनों दोस्त, तो हम रात को सेल्फ स्टडी किया करते थे, कोई जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आई ना तो तीनों डिस्कस कर लिया था, क्योंकि तीनों के बैकग्राउंड साइंस के थे और तीनों के सब्जेक्ट पॉलिटिक्स थी, तो तीनों हम डिस्कस क्या कर लिया करते थे, एक दूसरे से पूछ लिया करते थे, तो मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और जो ऑफलाइन पढ़ाई होती है वो बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि इसमें आपका ट्यूटर के साथ कम्युनिकेशन होता है, ऑनलाइन में तो बोलेगा आप देखते जाओगे, वो बोलेगा आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप उससे डाउट नहीं पूछ सकते, ऑफलाइन में क्या सामने बताएगा तो कई क्वेश्चन आएंगे, और कई बच्चे वहाँ बैठे रहते हैं, वो बच्चे नहीं है, वो अपने फ्यूचर के सपने, फ्यूचर के ड्रीम है, तो हर आदमी का माइंड अलग अलग होता है, तो जो कोई ट्यूटर पढ़ा रहा है तो उसके बारे में कई क्वेश्चन आएंगे, और कहते हैं कि लिखने की बजाय सुनी चीज़ें ज़्यादा गहराई से जाती है, हम उसको क्या ज़्यादा गहराई से समझ पाते हैं, वो ज़्यादा डीपली मेमोरी में जाती है, तो मैं तो जो ऑफलाइन पढ़ाई होती है ना उसको बेस्ट मानता हूँ। लेकिन आपने तो कोचिंग ली नहीं, आपको इस चीज का एक्सपीरियंस कैसे है? लेकिन जैसे अपने इस 10, 9, 10, 11, 12 क्लास में पढ़ा करते थे तो टीचर पढ़ाया करता था, तो वही चीज ये वहाँ चलो वो सब्जेक्ट पढ़ाता था या जीके पढ़ाते थे, तो सामने जो चीज पढ़ाई जा रही है वो ज्यादा गहराई में जाती है अपन, और सामने एकाग्र होकर देखते हैं। ऑनलाइन में तो कोई फोन आ गया बीच में, मम्मी ने आवाज दे दी तो आप डिस्टर्ब हो गए, और कोचिंग लोगे तो आप 5 मिनट रुकना तो आपको रुकना ही है,
या तो ये सोचोगे कि यार ये वीडियो अपन बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, मतलब आपका टाइम गया, समय बहुत कीमती होता है, आपका बराबर का कंपिटेटिव उस चीज को आगे चला गया और आप ही चिढ़ गए। ऑफलाइन में क्या आप प्रेशर में आते हो, रेगुलराइज हो जाते हो कि मेरे को यार ये फटना ही है, और वहाँ क्या ऑफलाइन में कंपटीशन पैदा होता है आपस में कि मेरा पास वाला दोस्त अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो मेरे को फटना चाहिए। ऑनलाइन में क्या हो, आपका मोबाइल, आप अकेले, आपका कमरा, तो जो जोश जुनून होता है ना कंप्यूटर के प्रति, वो ऑनलाइन एग्जाम में नहीं आ पाता, कॉम्पिटिशन का पता नहीं चल नहीं चलता, क्योंकि आप अकेले हो कॉम्पिटेटिव, और पूरी ऑफलाइन पूरी क्लास आपसे कॉम्पिटेटिव है, और कुरुक्षेत्र का मैदान है, आपको लड़ना है सबसे। और सर आज के टाइम पे ना आरएस की फीस, इन एसआई की फीस, इनकी जहां तक मेरे को पता है लाखों में है, है ना, 1 लाख के समथिंग है, उस टाइम पे कितने हुआ करते थे? उस समय आरएस जब हम दिया करते उसमें बहुत कम फीस हुआ करते थे, फिलोसफी की तो 3,000 रुपये लिया करते थे कोचिंग वाले, और हिस्ट्री की भी ज्यादा नहीं थी, 10 या 11,000 रुपये हिस्ट्री की थी, मेन्स की, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जीके तो लोग कुछ खुद तैयार कर लेते थे उसमें, लोग इंग्लिश पढ़ने जाते थे, इंग्लिश पढ़ाई की 2,000 रुपये थी। आज फीस ज्यादा है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई, कोचिंग हो गई, ट्यूटर से बहुत पैसे लेते मोटे मोटे, उस हिसाब से फीस बढ़ी आज। सर आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबी देखो एक तो मॉर्निंग वॉक है। तो ये पहले से है या अभी बनी है? पहले से थी। दूसरा मैं लोगों को जानना चाहता हूँ, मैं क्या थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो सामने वाला नहीं बोलता तो मैं चला के बोल लेता हूँ, लोग तो इंट्रोवर्ट ज्यादा होते, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, और हंसमुख व्यक्ति तो मेरा हंसा से मिलनसार रहता हूँ, एडजस्टमेंट हूँ, और मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जिसने बड़े बड़े उपन्यासकार है ना, टैगोर है, अच्छे जिनसे प्रेरणा मिले। मैं जब एलडीसी हुआ करता था तो मेरे विद्यालय में स्वेट मॉडर्न था, एक स्वेट मॉडर्न लेखक था उनका, वो मोटिवेशन और पॉजिटिव कहानियाँ लिखता था, तो उसकी मैंने 40-50 किताबें खूब पढ़ी थी, तो जब उसकी बुक्स पढ़ा करता था तो ये लगता था मैं ही स्ट्रेट मॉडर्न हूँ, मतलब मेरी बॉडी का हर अंग अंग पॉजिटिव हो जाया करता है, मैं मोटिवेट हो जाया करता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो इस बुक्स में लिखा ना कि आदमी ने वो किया वो मैं भी कर सकता हूँ। तो आपने अभी तक कितनी बुक्स पढ़ दी होंगी? मैंने 87 बुक्स पढ़ी है अभी तक। हाँ मैंने गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है। जब मैं पापा के साथ स्कूल में था तो चंपक, बालहंस, चंदा मामा, कई किताबें आती थी, वो नई किताबें मेरे पास एक दिन मामा उनको तुरंत फट दिया करता, दूसरे दिन दे दिया करता था, तो पढ़ने की मेरी आदत सुर से रही है। ओके सर, और आप अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को, आज के एस्पिरेंट्स को, इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है तो आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो भी करो पूरी शिद्दत से, पूरे मनयोग से करो, आपके पिता माता पिता ने या आपने जो सपना देखा है वो सपना पूरा हो सकता है, कि जो चीज़ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू यू कैन डू, वो आप लोग भी कर सकते हो। मैं कोई पैगंबर या देवदूत नहीं कि जो मैं कर गया तो आप नहीं कर सकते, इसी धरती पे मैं हूँ, इसी धरती पे आप आए हो, मैंने जो किया वो आप भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी दोस्त इंसान की बुक्स होती है, किताबें, किताबों को अपना अच्छा दोस्त बनाओ। एक बार फेल हो गए तो हो गए, हताश मत करो, क्यों फेल हुए उसे मंथन करो कि मैं असफल क्यों हुआ, किस कारण से मेरे नंबर कम आए, क्या कमी रही, फिर दुगने जोश से तैयारी करो, तो आपको अपना लक्ष्य, आप अपना सपना शुरू पूरा करोगे, उस सपने को कोई रोक नहीं सकता। और एक हमेशा जिंदगी में बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और लिव पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचो तो कुदरत आपका साथ देगी, कोई ना कोई मसीहा आपकी जिंदगी में आ जाएगा, मसीहा मतलब बुक्स, या आपको मोटिवेशन मिलेगा। और कोई भी चीज़ शॉर्टकट नहीं होती है, आपको बड़ा लक्ष्य चाहिए, आपके सपने बड़े हैं तो इस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कभी भी जिंदगी में हताश हो तो ये आजकल के बच्चे क्या जल्दी सुसाइड कर लेते हैं, अरे जिंदगी में लिए तो संघर्ष करो, जब जीवन दिया तो संघर्ष करने के लिए जिया है, वो फेलियर को फेस नहीं, फेल हाँ, इसका मतलब जिंदगी असफल हो गई, जीवन बहुत अमूल्य है, इसकी कदर करो और फिर एक चांस दो। जैसे कि डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन आज मैं अफसर बन गया तो मुझे कोई गम नहीं है, मेरे साथ के अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे एसएमएस के, लेकिन आज गम नहीं कि मैं भी एक बराबर ऑफिसर हो गया, मेरे को दुख हुआ था कि मैं साथ वाले डॉक्टर बन गया, मैं एलडीसी था तो मैं तो वही हताश हो जाता ना कि यार वो तो डॉक्टर बन गया और मैं बाबू का बाबू रह गया, लेकिन हिम्मत नहीं रहा ना, मैं भी उस चोटी पर उस मुकाम पर पहुँच गया। तो मैं तो यही जो प्रतिभा की है प्रतियोगी उनको यही कहूँगा कि जो भी करो शिद्दत से करो और पॉजिटिव सोच के साथ करो, और भगवान कृष्ण का संदेश यही है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो अपना जो कर्म है अपना लक्ष्य उस पर केंद्रित करो और सब कुछ भूल जाओ। ओके सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय में देने के लिए। थैंक यू सर।
सो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।